तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि मूसा ने मास्टर चैन से ये लैम्प छीन लिया था। तब इस लैम्प के मिल जाने के बाद मूसा बहुत ही खुश हो जाता है, जिस पर थंडर बोल्ड अब इस लैम्प को देखते हुए कहता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसके लिए तूने मास्टर चैन से भी दुश्मनी मोल ले लिया। तब इस बात में मूसा कीनो से पूछता है कि हाँ बताओ अब इसका क्या करना है, जिस पर कीनो कहता है करना क्या, चुपचाप अब इसे रिफाइन करो, इस ट्रेजर में जो कुछ भी हो किसी पावरफुल स्पेल में लॉक है, तुम्हें अपने माइंड कॉन्सियस की पावर से इस स्पेल को ब्रेक करना है। तब ये सब सुने मूसा अपने एक बूंद खून को इस आइटम में डाल देता है, जिसकी वजह से इस लैम्प में से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। तब थंडरबोल्ट बहुत ही शॉक होते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। तब मूसा मेडिटेट करते हुए सीधे अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर चला आता है। यहाँ पे पहुंचते ही मूसा अपने सामने एक बहुत ही बड़े टावर को देखता है। तब कीनो कहता है कि यही वो ट्रेजर जो इस लैम्प के अंदर छिपा हुआ था, एक बहुत ही खास और पावरफुल हेवनली टावर, जिस पर अब कीनो इतना बताते इस टावर के ठीक ऊपर किसी टाइप का पोर्टल खुलता है और इस पोर्टल में से बहुत सारे कटे हुए स्तर बाहर आने लगते हैं। तब कीनो कह रहा है केयरफुल हो जाओ, ये टावर तुम्हारे माइंड पावर का टेस्ट ले रहा है, जिस पर मूसा कह रहा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग मेरे सोल को खा जाएंगे। तब ये खड़े हुए सर अब चारों तरफ से आके मूसा के ऊपर हिट करना शुरू कर देते हैं, जिस पर मूसा अब अपने माइंड पावर से अपने चारों ओर एक बैरियर को बनाना शुरू कर देता है और बनाते हुए कह रहा है कि आ जाओ मैं तुम लोगों से नहीं डरता। तब ये लोग और भी ज्यादा अमाउंट में अब मूसा की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन मूसा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब थोड़ी देर में यहाँ पे एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और ये सारे कटे हुए सर गायब हो जाते हैं, जिस पर मूसा की मेरा थोड़ा इंजर्ड होते हुए कह रहा है कि वाह ऐसा लग रहा है कि मैं सचमुच में इंजर्ड हो गया हूँ। तब कीनो कह रहा है कि ज्यादा खुश मत हो अभी काम नहीं हुआ है, जिस पर अब इतना कहते हैं कीनो अपनी पावर से मूसा के हाथ में कुछ ड्रॉ करने लगता है और करते हुए कह रहा है कि मैंने कुछ देर के लिए यहाँ पे भी तुम्हारे मास्टर सोल को एक्टिव कर दिया है, अब अपना पूरा जोर दिखाओ और अपने मास्टर सोल में इस टावर को कैप्चर कर लो ताकि ये हेवनली टावर पूरी तरीके से तुम्हारा हो जाए, जिस पर मूसा भी अब यस कहते हुए अपने मास्टर सोल को सीधे इस टावर की ओर भेज देता है। तब मूसा का मास्टर सोल अब इस टावर में मौजूद सारे स्पेल्स को ब्रेक करने की कोशिश करने लगता है, इस काम में मूसा की एनर्जी बहुत ही फास्टली ड्रेन होने लगती है। तब इधर थंडरबोल्ट मूसा की ओर देखते हुए कह रहा है कि लगता है ब्रदर मूसा को और पावर्स की जरूरत है, और यही सोचे थंडरबोल्ट भी अब मूसा के पीछे आके बैठ जाता है, जिसके बाद अपनी पावर्स को देते हुए मूसा के पावर्स को और भी ज्यादा बूस्ट करने लगता है। तब थंडरबोल्ट के सपोर्ट से मूसा की पावर और भी ज्यादा इनहेंस हो जाती है, जिसे देखते हुए कीनो कह रहा है कि जितना दम है अभी लगा दो। तब इतना सुनते ही मूसा अपने दोनों हाथों का यूज करते हुए अपने एक्स्ट्रीम पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मूसा के सोल में ये टावर अब लगभग कैप्चर हो ही गया था, जिस पर मूसा अब चिल्लाते हुए कहता है कि अगला होने वाला सोड एम्परर मैं हूँ, ये छोटे मोटे स्पेल कभी मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। तब इतना कहते कहते फाइनली मूसा के सोल इस टावर को कैप्चर कर ही लेता है, जिस पर अब कीनो कह रहा है देखा ये कितनी आसानी से हो गया, भला मेरे से मेडल को होते हुए कोई फेल कैसे हो सकता है, जिस पर मूसा कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अभी भी किसी ने मेरे दिमाग में डांडिया खेला हो। तब थंडरबोल्ट मूसा से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर मूसा हेल्प के लिए थैंक यू सो मच ब्रदर थंडरबोल्ट कहता है। तब थंडरबोल्ट कह रहा है नहीं नहीं कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे छोटे भाई की तरह, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की, जिस पर मूसा अपने मन में कह रहा है कि आदमी कितना इनोसेंट है, एक बार भी नहीं कहा कि ट्रेजर को बांटो या फिर मुझे भी उसमें हिस्सा दो। तब यही सब सोच के मूसा अपने रिफाइन किए हुए टावर को अपेयर करता है, जो बाहर आते अपने असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखते हुए थंडरबोल्ट कह रहा है कि आखिर ये है क्या। तब मूसा कह रहा है कि ये हेवनली टावर जो स्लैम्प में छुपा हुआ था, चलिए अब इसके अंदर चल के देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तब इस टावर में घुसते ये लोग पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ये टावर अंदर से किसी आलिशान महल से भी बड़ा था, जिस पर मूसा बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि जब पहला ही फ्लोर इतना बड़ा है तो फिर बाकी के फ्लोर कितने बड़े होंगे। तब कीनो कहता है भूलो मत ये एक हेवनली आइटम है, अगर इसमें तुम्हारे साथ कुश्ती भी आके घुस जाए तो भी ये टावर नहीं भरेगा। और फिर कीनो बताता है इस टावर का सिस्टम बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है, इस टावर में अगर तुम 10 दिन रहोगे तो ये तुम्हारे बाहरी दुनिया के एक दिन के बराबर होगा। तब मूसा कहता है तब तो ये प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सही जगह है, जिस पर कीनो कहता है बिल्कुल चलो अब शुरू हो जाए। तब मूसा और थंडरबोल्ट को भी यहाँ के टाइम के बारे में बताता है, जिसे सुनकर थंडरबोल्ट कहता है क्या सच में। तब मूसा भी प्रैक्टिस शुरू करते हुए यस कहता है, जिस पर अब ये दोनों ही रगड़ के हार्ट ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं जो ये लोग छोड़ते हैं। और अब सीन चेंज होता है, इधर हम तीनों एल्डर्स को देखते हैं जो दूसरे कमरे में किसी एक ट्रेजर को घेर के खड़े थे। तब मास्टर एलिफेंट कहता है ये ट्रेजर तो मैं ही लूंगा, जिस पर मास्टर चैन कहता है लगता है फिर से वही होगा जो पहले हुआ था, और इतना कहते सारे एल्डर्स अब अपनी अपनी पावर्स को अपेयर करते फिर से एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये विल्बर्ट आराम से लड़के ये सारा नजारा देख रहा था, जिस पर अब एक स्माइल देते हुए ये भी सीधे नीचे आ जाता है। तब इसे देखते हुए मास्टर चैन कहता है कि आप इसमें लड़ना बंद करो, ये मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, जिस पर पपेट मास्टर कहते हैं चलो फिर पहले इसे ही खत्म करते हैं। तब मास्टर एलिफेंट कहते हैं जो भी हो ट्रेजर तो मैं ही लूंगा, जिस पर इधर ये विल्बर्ट अपने एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि जल्दी आओ तुम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। तब इतना सुनते ये तीनों एल्डर एक साथ सीधे इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। सबसे पहले मास्टर चैन अपने मास्टर सोल को अपेयर करते हुए अपने पावरफुल चेनों से इसे बांध देते हैं,
जिसके बाद ये पपेट मास्टर से क्या देखिए अब तुम्हारी बारी है। तब पपेट मास्टर अपने पावर से यूज करते बहुत सारे पपेट्स को क्रिएट कर देते हैं जो वेपन के साथ सीधे से मारने के लिए बढ़ जाते हैं, मगर इस इविल बर्ड का बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इन अटैक उसे कुछ भी नहीं होता। जिस पर मास्टर एलिफेंट अपने नए वेपन को अपेयर करते हुए इसे क्या देखिए अब तुम मेरे अटैक को झेल के दिखाओ। तब इविल बर्ड क्या देखिए पुलिस में तो काफी एक्साइटेड हो, जिस पर मास्टर एलिफेंट अब सीधे अपने वेपन के साथ इसकी ओर बढ़ जाते हैं और एक बहुत ही जोरदार अटैक इसके ऊपर कर भी देते हैं। तब इसके बैट से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिस पर अब टावर के साथ चुपचाप मुशेंग भी इस कमरे में पहुंच जाता है और आराम से कमरे में रुक के ये सारा नजारा देखने लगता है। तब थंडरबोल्ट क्या रही क्या वो लोग उसे डिफीट कर पाएंगे, जिस पर मुशेंग क्या रही ये तीनों ही एल्डर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर उस बीस्ट के पास उसका फुल पावर नहीं हुआ तो शायद ये लोग उसे डिफीट कर देंगे। तब इधर अब काफी ज्यादा मार कुटाई चलने के बाद जैसे माहौल शांत होता है तो हम देखते हैं तीनों एल्डरों ने मिलकर इस बीस्ट को जम के धोया था, मगर ये बीस्ट अब दोबारा से स्माइल करते हुए खड़ा हो जाता है और खड़े होते हुए क्या देखिए अफसोस मैंने अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं किया। तब मास्टर एलिफेंट अब दोबारा से गड्ढे क्रिएट करते हुए क्या देखिए कोई बात नहीं अब जो भी अचीव करना है हेल में जाके करना, जिस पर ईविल बर्ड अपने पावर से यूज करते हुए अपने बीस्ट फॉर्म में आगे बहुत ही फास्टली जाके इस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ऐसा होते मास्टर एलिफेंट अब घसीटते हुए पीछे चले जाते हैं, जिस पर ये बर्ड अब हंसते हुए क्या देखिए मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। तभी इधर मास्टर एलिफेंट जो कि इंजर्ड पड़े थे अचानक से इनकी आंखें रेड हो जाती है और इनका मास्टर सोल भी हो जाता है, जिस पर अब ये प्लग झपकते सीधे अपने कुल्हाड़ी के साथ इस बीस्ट के पास पहुंच जाते हैं और फिर एक जोरदार अटैक करते इस बीस्ट को बहुत ही जोरों से इंजर्ड कर देते हैं। तभी इविल बर्ड जमीन पर गिरते हुए क्या देखिए वाकई में तुम तीनों बहुत ही स्ट्रांग हो, अभी मैं तुम तीनों को एक साथ खत्म नहीं कर सकता लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी मुलाकात बहुत ही जल्द होगी। तब इतना क्या कि ये बीस्ट अब यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है, जिस पर मास्टर एलिफेंट अब जमीन पर बैठते हुए क्या देखिए मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया लेकिन चलो फाइनली अब ये ट्रेजर मेरा हुआ, और इतना क्या कि ये इस ट्रेजर को लेने के लिए बढ़ जाते हैं, मगर तभी मास्टर शेन अब इनके पीछे आते हुए क्या देखिए आखिर इतनी जल्दी क्या है, और इतना कहते हैं मास्टर शेन अब अपने किलिंग मूव को क्रिएट करते हुए सीधे मास्टर एलिफेंट के ऊपर कर देते हैं जिसके लगते मास्टर एलिफेंट यही से स्वर सिधार जाते हैं। तब खीनो क्या देखिए ये बुढ़ा तो बहुत ही ईविल है, जिस पर मुझे क्या था इसलिए मैं अभी इससे दुश्मनी मोल नहीं ले रहा था। तब इधर अब मास्टर शैन क्या था पपेट मास्टर तो अब अपने आगे क्या सोचा है, जिस पर पपेट मास्टर अब अपने मन में क्या था कि मुझे किसी भी तरह से सबसे पहले उस स्पील को हासिल करना होगा। तब यही सोचिए पपेट मास्टर क्या था कि मास्टर शैन मेरे पास एक डील है, क्यों ना आप मुझे ये पील लेने दे और इसके बदले में मैं आपकी हेल्प करूंगा इस मोटी की फैमिली को हड़पने में, इसकी प्रॉपर्टी अगर आपको मिल गए तो फिर पूरे सिटी में आपकी जितना पावरफुल कोई भी नहीं होगा। तब मास्टर शैन अब कुछ सोचते हुए ईविल स्माइल देते हैं और फिर पपेट मास्टर से क्या था ठीक है मुझे डील मंजूर है, जिसे सुनते पपेट मास्टर बहुत ही खुश होते सीधे स्पील को लेने के लिए बढ़ जाता है, मगर स्पील को टच करते ये पिल इन्हीं के हाथों में फट जाता है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।